नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि एनडीए और महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन ये नेताओं का कहना है। आपको बता दें कि ना तो एनडीए में और ना ही महागठबंधन में अभी सीटों की गुत्थी सुलझ पाई है। इससे पहले बिहार बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जो है कल दिल्ली में बैठक करने पहुंचे थे और वहां ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान को लेकर कोई अंतिम फैसला आ सकता है। चिराग पासवान को या तो मना लिया जाता है या फिर कोई एक रणनीति तैयार कर बात को आगे बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप सबसे पहले पटना एयरपोर्ट की तस्वीरें देखिए। रात के 10 बजे पटना एयरपोर्ट पर बिहार बीजेपी के तमाम दिग्गज, भूपेंद्र यादव हो, देवेंद्र फडणवीस हो या फिर और नेता हो, सभी के सभी लौट आए और उनकी चुप्पी काफी कुछ बता। सबसे पहले आप हमारे संवाददाता आलोक की ये रिपोर्ट देखिए जो रात के 10 बजे भी पटना एयरपोर्ट पर मौजूद थे। देखिए एक प्रकाश, इस वक्त हम खड़े हैं पटना एयरपोर्ट पर, रात के 10 बज चुके हैं और ऐसे में इस वक्त बिहार भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता जो सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, चिराग पासवान से बातचीत होनी थी, वो सभी अब पटना लौट आए हैं। भूपेंद्र यादव हो या फिर बिहार के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, वो सभी लौट आए हैं पटना। संजय जायसवाल भी लौट आए हैं जो कि बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, मंगल पांडे भी लौट आए हैं। लेकिन जिस तरीके से हाव भाव थे उन लोगों के, वो कहीं ना कहीं आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे, साफ साफ ये बयां कर रहा था कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है या नहीं है। फिलहाल सस्पेंस बरकरार है क्योंकि चिराग पासवान के बयान का इंतजार किया जा रहा है। चिराग पासवान क्या स्टैंड लेते हैं, कल ही उन्होंने ये साफ साफ कह दिया था कि पार्टी जो है वो माँ के समान है और जो तमाम बातें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बता दी थी कि जो भी फैसला होगा वह सभी को मंजूर होगा। उनके कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें आश्वस्त किया था। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का कुछ नहीं कहना, मंगल पांडे का कुछ नहीं कहना, संजय जायसवाल का कुछ नहीं कहना, कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत कुछ ये बताता है। देखने वाली बात यह है कि आज कह सके तो निर्णायक दिन था, लेकिन अभी भी फैसला नहीं हो पाया है। देखने वाली बात यह है कि अब जब नामांकन की जो प्रक्रिया शुरू होती है, कितने दिनों के अंदर अंदर एनडीए में सीटों का बंटवारा होता है, क्या जेडीयू और बीजेपी अकेले लड़ेगी या फिर लोक जनशक्ति पार्टी साथ है, अगर साथ है तो इतनी देर क्यों हो रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं। रात के 10 बज चुके हैं लेकिन अभी तक सस्पेंस बरकरार है। सुना आपने, आलोक 10 बजे रात को वहां मौजूद थे जब बिहार बीजेपी के तमाम दिग्गज वहां उतरे और उतरने के साथ ही उनके हाव भाव और उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस ने सब कुछ बता दिया और ये कह दिया कि चिराग पासवान को लेकर अब भी मामला फंसा हुआ है, चिराग पासवान को लेकर कोई भी फैसला नहीं आ पाया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान लगातार एनडीए से नाराज चल रहे हैं, ना कि एनडीए से, नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। और कहा यह जा रहा था कुछ दिनों पहले कि वो मांझी और नीतीश के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं, लेकिन अब भी मामला फंसा हुआ है, अब भी पेच फंसा हुआ है। देखने वाली बात होती है कि चिराग पासवान को लेकर अंतिम फैसला कब आता है, एनडीए क्या बयान जारी करती है और उसके बाद क्या कुछ हो पाता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि चिराग पासवान हो न हो अलग रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन समय बहुत कम रह गया है। जो भी करना होगा वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, बहुत जल्द करना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर काफी गहमागहमी हो रही है और यही कारण है कि बिहार बीजेपी के तमाम नेता दिल्ली में बैठक लगातार कर रहे हैं। अभी भी बैठकों का दौर चलेगा और उसके बाद ही फैसला हो पाएगा कि चिराग पासवान क्या करने वाले हैं, एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर क्या खुलासा करने वाली है। और उधर महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर अभी बात नहीं बन पाई है। दोनों ही गठबंधन के बारे में ये देखने वाली बात होती है कि कब तक सीटों के मसले पर बात आगे बढ़ती है और जनता के बीच ये खुलासा किया जाता है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।